हे गाइस वेलकम बैक टू द आईटीसी प्लेलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यानी सीआरसी क्या होता है और इसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ, देखो चेकसम इज कैलकुलेटर अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक कोड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। टू बी मोर प्रिसाइज, इट इज डन बाय द कैलकुलेटिंग द सिस्टमैटिक कोड विद द पैकेट एज द मैसेज पॉलीनोमियल। द रिसीवर वंस रिसीव द डेटा फॉलोड बाय द चेकसम विल कैलकुलेट द चेकसम अगेन इफ मैच अज्यूम नो एरर अदरवाइज देर इज एरर आइदर इट इज अ डेटा और अ चेकसम। ठीक है, सो सिंपली दिस इज अ सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट थ्योरी ऑफ द सीआरसी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑन इट। देखो सिंपल आपको दे रहेगा जनरेटेड पॉलिनोमियल जी एस इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। अगर इसको आप एनकोडेड करते तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली 10011। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर नहीं है तो उन दोनों के केस में 00 और बाकी तीनों अवेलेबल है तो 111 एंड। ठीक है, तो इसलिए 10011 इसका आंसर होता है। जनरेट पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ 5 बिट एंड सो ए स्ट्रिंग ऑफ 4 नॉन जीरो इज अपेंडेड टू द बिट स्ट्रीम टू बी ट्रांसमिटेड। यानी हम क्या करेंगे, आपको एक आउटपुट दे रखा है, मैं अभी दिखाऊंगा, उसके लास्ट में अपन क्या करेंगे कि चार मतलब चार जीरो है ना जोड़ देंगे, अपेंड कर देंगे उसके साथ जो भी आपका आउटपुट है, क्योंकि इसको बोला कि 5 बिट कंसिस्ट करो तो हम चार जीरो का कॉम्बिनेशन इसके साथ ऐड करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखो ये पूरा अपन को दे रखा था आउटपुट, ठीक है, और आपको ये चार आपने क्या कर दी इसके साथ अपेंड कर दी उसी स्ट्रीम के साथ में। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको दे रखा था जी एक्स 10011 और आपके पास था आउटपुट ये वाला, तो आपको इसमें इसका डिवाइड करना है और सिंपली देखना है क्या रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका सीआरसी होगा या फिर हम बोल सकते हैं चेकसम होगा। तो देखो कैसे होगा, ये सिंपली आपको ये दे रखा, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग के ये 5 है तो ये 5 बिट का लेता हूँ, मैं 5 बिट का लिया, इसको सोल्व करा। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज़ सेम आती है ना, तो इसको सोल्व करता हूँ और इसको मतलब कि इसमें कैसे करते हैं कि सेम वाले तो 0 हो जाते और अपोजिट वाले क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो यहाँ 0 0 वाला दे रखा था तो वो 0 हो गया, 1 1 वाला भी 0 हो गया, लेकिन 10 या 01 वाले केस में यहाँ पर 1 हो जाता है, तो इस केस में हो जाता है। इसके बाद क्या करता हूँ, मैं ये वाला 1 है ना नीचे उतारता हूँ ताकि मेरे पास 5 बिट वापस मेरे पास मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा इस तरफ है, मतलब एक एक राइट साइड आप शिफ्ट कर दो इसको, थोड़ा मैंने इस साइड लिख दिया लेकिन ये वही चीज़ है, यहाँ पे 0 था। तो देखो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करा, यहाँ पर 5 ये 1 नीचे उतार दिया, 1 नीचे उतार दिया ना। अब आपने अब आपको क्या करना है, सिंपली देखना कि किस इसके अंदर क्या डिवाइड करूँ। तो देखो वो सॉरी इसमें क्या मतलब सब्ट्रैक्ट करूँ, तो देखो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। तो देखो ये चीज़ पॉसिबल हो गई। अब ये अगेन ऐसे कर लिया और मैंने दोबारा इसमें एक और 1 था वो उतार दिया। अब इस केस में देखूँ कि इसमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो देखो अगर मैं इसको 0 से डिवाइड करूँ तो सब 0 0 जाएंगे, यानी इससे कम हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट होना ईजी होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 0 0 कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या था, हाँ मेरा था यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 उतरेगा नेक्स्ट में। ऐसे सारे मैं धीरे धीरे करते हुए उतारते जाऊँगा और देखते जाऊँगा मेरे लास्ट में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं देखो आपको बताता हूँ, अगर मैं ऐसी प्रोसेस सेम रिपीट करता गया एट द एंड मुझे देखो ये मिलता है, ये है मेरा रिमाइंडर 1110। तो देखो मेरा चेकसम या सीआरसी मेरा आ गया 1110। तब ये मेरे को बताने की था कोड वर्ड ट्रांसमिटेड टू रिसीवर क्या है। तो मेरे पास जो आंसर मैं देखूँ तो देखो मैंने जो लास्ट में 40 अपेंड किए थे उसकी जगह अब ये रिजल्ट मैं उसके साथ अपेंड कर दूंगा, तो मेरा ये निकल गया भाई द कोड वर्ड ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर विल बी दिस वन। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द चेकसम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इन बिलो, आई विल ट्राई टू सोल्व इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग एंड शेयर इट इफ यू थिंक दैट योअर फ्रेंड हैज सेम डाउट। Thank you so much.